हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आसान है भाई। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, टोटल चार क्वेश्चन को करने वाले हैं और सब क्वेश्चन भाई हलवा क्वेश्चन है। तो आइए हमारे साथ बने रहे, बोर्ड एग्जाम इस बार आर पार होगा। और भाई आप लोग ये बात तो मानते हैं ना, जिसका संघर्ष जितना कठिन होगा, उसका रिजल्ट उतना बेहतरीन होगा। तो भाई आइए हमारे साथ बने रहे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, और ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे प्यारे बच्चे कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, किसी वृत्त के, कोई वृत्त के किसी व्यास, अच्छा वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई, अच्छा व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। समझ आया नहीं, आओ ना एकदम हमारे साथ। अभी आसान क्लासेस आपको तुरंत समझाने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है, किसी वृत्त, आ जाओ सबसे पहले वृत्त जब बोलते हैं हमारे प्यारे बच्चे, तो वृत्त को तुरंत झटके में बना लेना है भाई, झटके में बनाना है। आ जाओ भाई वृत्त बनाते हैं। वृत्त कौन से कलर में बनाए भाई, व्हाइट कलर में। चलो आ जाओ भाई, ये हमारा वृत्त है। देखो भाई, देखो देख रहे हो ना, ये वृत्त है। अब इस पे क्या बोला है भाई, वृत्त के किसी व्यास के सिरों, अच्छा व्यास बनाना है। व्यास मालूम है ना क्या होता है भाई, व्यास उसे कहते हैं वैसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर पास करती है, काम करते है भाई। यहां से एक लाइन लेते हैं और भाई ये जो लाइन है ना केंद्र से होकर पास होगी, किससे होकर पास हो रही भाई, केंद्र से होकर के पास हो रही है। अब आ जाओ भाई, ये हमारा हो गया व्यास। अब भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यास के सिरा, व्यास का सिरा, सिरा मतलब एंड पॉइंट, इसका जो सिरा है, एक सिरा ये वाला है, दिख रहा है आपको। चलो भाई अलग कलर से मार्किंग करता हूं, ठीक है, ये एक सिरा है हमारा, दूसरा सिरा ये है, और इन दो सिरों से क्या खींचना है भाई, स्पर्श रेखाएं। चलो भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं, भाई चलो स्पर्श रेखा। आ जाओ भाई यहां से ये आ भाई स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं, ये है भाई हमारा स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा, है ना स्पर्श रेखा। इसको थोड़ा सा भाई यहां से नीचे करते हैं भाई, ये स्पर्श रेखा हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, इसके सिरों पर एक बार स्पर्श रेखा है, यहां भी एक स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं। चलो भाई ये हमारा स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे प्यारे बच्चे कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है ए बी, दूसरा स्पर्श रेखा का नाम है सी डी। ये जो स्पर्श रेखा है ए बी और सी डी एक दूसरे का समानांतर है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, किसी व्यास के सिरों पर, सिरा भाई एक है आपका पी, दूसरा सिरा है क्यू, सिरा पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखा ए बी और सी डी खींचा हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है हमारे प्यारे बच्चे कि ये जो स्पर्श रेखा है ए बी, क्या भाई ए बी, वो समानांतर है किसका भाई, सी डी का, समानांतर है सी डी का। तो भाई आज इसको प्रूफ करने वाले कैसे ये समानांतर है, सो है ना। आ जाओ भाई थोड़ा सा, ये भाई हलवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें लिखना होता है। देखो भाई प्रूफ कैसे करेंगे, आपको पहले मैं समझा देता हूं, आप हमारी बातों को समझो भाई, प्रेम से समझो, बोर्ड एग्जाम आप लोग लिखने वाले बच्चे हो। देखो भाई ये है वृत्त का केंद्र, और आपको मालूम है केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, केंद्र से मतलब त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा और यहां पे भी बच्चा क्या होगा 90 डिग्री। उसी तरीके से ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब, यहां पे 90 डिग्री होगा और यहां पे भी क्या होगा बच्चा 90 डिग्री होता है। ये हम लोग प्रमेय 10.1 से जानते हैं, आपको बताया ना मैंने भाई। आ जाओ अब देखो यहां पे सबसे पहले जो जो बात यहां दिया हुआ था, ज्योमेट्री बनाने का तरीका है, उसको मैं लिख देता हूं। क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या है भाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। आ जाओ भाई ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें भाई दो स्पर्श रेखा
रेखाएं लिखते हैं भाई, दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः स्पर्श बिंदु किस पर भाई, स्पर्श बिंदु किस पर, पी और क्यू पर स्थित है, क्या है भाई, स्थित है। चलो भाई अब इसके बाद क्या लिखना है, सिद्ध, हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। सिद्ध क्या करना है कि ये जो ए बी है, ए बी रेखा वो समानांतर किसका भाई, सी डी का, किसका भाई, सी डी का समानांतर है। आइए सिद्ध करते, कैसे सिद्ध करेंगे इसको, यहां पे भाई प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण, जज साहब को प्रमाण देंगे भाई कि कैसे प्रूफ करने वाले हैं। आ जाओ भाई, प्रमाण ये देंगे कि प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से हम लोग क्या जानते हैं, प्रमेय 10.1 हम सभी को सिखाया भाई कि जो त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, क्या भाई, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर ले, आप लोगों को दिख रहा है ना भाई, चलो आप लोगों को दिखना चाहिए भाई, ठीक है, चलो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भाई प्रमेय 10.1 से त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओपी जो है एबी पे लंब है, ओपी वो लंब है किस पे, एबी पे, हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देना। और उसी तरीके से ओ क्यू लंब है किस पे भाई, सीडी पे लंब है। जब ओपी लंब है एबी पे और ओ क्यू लंब है सीडी पे, तो एक बच्चे ने बोला ये भी कौन 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ध्यान देना हमारे प्यारे बच्चे, सिद्ध करना क्या है, मोटा मोटी बात यहां पर यह है, ए बी को सी डी के समानांतर करना है। जरा ध्यान देना कि कौन ओ पी ए क्या है भाई, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 काम देगा भाई मुझे। अब उसी तरीके से भाई कौन ओ क्यू डी, देख लो भाई ये वाला ओ क्यू डी, इधर वाला कौन ओ क्यू डी, ये भी हमारे प्यार बच्चे क्या होगा, 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, किस से भाई, समीकरण 1 और 2 से। देखो भाई देख लो, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, अगर मान लो भाई राम के पास 10 रुपया, ठीक है, राहुल के पास 10 रुपया, तो भाई राम और राहुल जो है पैसे के मामले में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं जैसे कि इसके पास भी 90, इसके पास भी 90, तो ये इसके बराबर होगा। मतलब भाई एंगल ओ पी ए बराबर होगा क्या, एंगल ओ क्यू डी होगा, और दोनों कितने भाई 90 डिग्री। एक बच्चा बहुत समझदार था भाई, आप ही के बीच में एक समझदार बच्चा था, वो बोला सर हमको कुछ दिख रहा है, हमने बोला क्या, जल्दी बताओ, बोला देखिए ना ओ पी ए एंगल ओ पी ए ये वाला एंगल, और एंगल ओ क्यू डी ये एंगल, देखिए ना सर ये एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं भाई। और एकांतर अंतः कोण कब बनाता है, जब ये रेखा इसके समानांतर होती है, तो भाई लास्ट में लोग ये लिख सकते हैं अतः भाई ए बी जो है वो समानांतर है, ए बी समानांतर है भाई किसका, सी डी का, और ये क्या होता है हमारा सिद्ध। बिल्कुल इजी प्रश्न था भाई, रसगुल्ला वाला था क्वेश्चन। देखो यहां पे हुआ क्या, ये इसके समानांतर है
और भाई ये इसके एकांतर अंतक कोण से बराबर है भाई, जब ये इसके एकांतर अंतक कोण से बराबर है, और एकांतर अंतक कोण बराबर कब होता है भाई, जब रेखाएं आपस में क्या होती है समांतर, तो एकांतर अंतक कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भाई सिद्ध होता है। कहीं डॉट हो रहा तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ऐसे कोई डॉट नहीं हुआ होगा भाई। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन भाई हलुआ है, हलुआ इसको कैसे कर सकते हैं बच्चा भाई, इसमें मालूम है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्यों मालूम है, इसलिए क्योंकि इसमें विरोधाभास करना होता है। विरोधाभास मतलब जैसे कि आपने प्रमेय भाई 1.3 मतलब हमको याद है चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 उसमें भाई हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि रूट सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने सिद्ध किया होगा। तो हम लोग इसका जस्ट उल्टा, उल्टा का मतलब विरोधाभास, जस्ट इसका उल्टा ये हम लोग मानते थे कि रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, मतलब ये है अपरिमेय, हम लोग को सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन लेते थे मान के चलते थे कि ये परिमेय है, और जब ये परिमेय नहीं आता था तो होता था अपरिमेय, समझ में आया विरोधाभास का मतलब। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी विरोधाभास लेकर के चलेंगे, क्या लेकर के चलेंगे विरोधाभास, मतलब भाई हम लोग मान के चलेंगे कुछ और उस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उस चीज का संबंध उसके साथ नहीं होगा तो भाई प्रूफ हो जाएगा। और ना क्वेश्चन पहले करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन का है हमारे प्यारे बच्चे कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है सिद्ध, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, आया समझ में, मेरी बात समझो, कह रहा भाई एक वृत्त है, एक वृत्त यहां से ले लो भाई, दिख रहा है ना वृत्त, ले लो भाई, ये एक वृत्त है, दिख रहा है भाई ये एक वृत्त है, वृत्त पे भाई एक स्पर्श बिंदु है, यहां पे एक स्पर्श बिंदु है, इसका नाम भाई डार करके मैं लिख देता हूं, इस पे एक स्पर्श बिंदु है P, दिख रहा है सभी को, यस, अरे भाई हाँ और ना तो बोलो, दिख रहा है। चलो भाई अब यहां से देखो भाई एक स्पर्श रेखा जा रही है, क्या जा रही है स्पर्श रेखा, चलो भाई एक काम करते भाई यहां से एक स्पर्श रेखा ये पास हो रही है भाई, ये पास हो स्पर्श रेखा, ठीक। चलो भाई अब ये बोल रहा है ना कि स्पर्श ये बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, अब आपको मालूम है भाई ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या भाई केंद्र है, और अगर यहां से स्पर्श बिंदु से अगर रेखा खींचेंगे तो ये लंब होता है, मतलब त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, आ जाओ इसको भी खींचते हैं बच्चा, आ जाओ इसको भी खींचते हैं, ये भाई ये जो त्रिज्या है वो लंब होती है और ये लंब रेखा केंद्र से होकर पास करती है, हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो लंब रेखा है वो केंद्र से होकर पास करती, यही हम लोग को क्या करना है बच्चे सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। ये जो भाई लंब रेखा है ना, लंब रेखा वो केंद्र से होकर पास करती, ये हम लोग को क्या करना है बच्चा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आइए भाई सिद्ध करना है कि ये जो लंब रेखा है वो केंद्र से होकर ही पास करती है। अब इसको आप सिद्ध कैसे करोगे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे भाई सिद्ध करोगे, आप सभी को मालूम है भाई कि ये इस पे लंब होती ही है, फिर ये कौन से बुड़बक वाली क्वेश्चन हो गया भाई कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो लंब रेखा है ये केंद्र से होकर ही जाएगी, ये प्रूफ करना है कि ये जो रेखा लंब रेखा है वो केंद्र से होकर जाएगी। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी बात को यहां समझो, एक वृत्त है, इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा है भाई, क्या है स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श बिंदु से भाई एक रेखा जाएगी और केंद्र से होकर ही जाएगी, हम लोग को ये सिद्ध करना है। हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी केंद्र के ये साइड में एक और हम लोग बिंदु मान लेंगे, क्यों, ठीक है ये P है, ये मान लो A है, ये B है, ठीक, और हम लोग रचना करेंगे भाई P को Q से मिला देंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसा मिलाएंगे कि बोलेंगे भाई QP जो है, QP वो लंब है किस पे, AB पे, किस पे लंब है भाई AB पे, और जब लंब है तो ये कोण होगा यहां पे 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री होगा, और त्रिज्या तो पहले से आप लोग को मालूम है कि लंब होती है, तो जरा एक बात आपको आप बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि क्या एक ही बिंदु पे, क्या एक ही स्पर्श बिंदु पे दो लंब रेखाएं खींची जा सकती है, नहीं, अरे भाई ये देखो तो ये ऐसे भी कम लग रहा है,
90 से ऐसे भी ये कम लग रहा है, 90 कब होता है भाई, जब एक दूसरे का सीधा में हो, मतलब कि ये और ये 90 कम होगा, जब एक दूसरे का पूरा भाई स्ट्रेट हो, ये देखो थोड़ा टेढ़ा लाइन गया है, तो ये कम जो कोण है क्या 90 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भाई अगर इस रेखा को, भाई इस रेखा को अगर 90 बनाना हो तो ये यहां से नहीं, इस रेखा को यहां से नहीं बल्कि यहां से पास होना पड़ेगा, कहां से, केंद्र से होकर पास होना पड़ेगा। तो ये विरोधाभास हुआ कि हमने जो यहां पे बिंदु माना क्यों, ये जो बिंदु माना क्यों, ये भाई यहां से नहीं बल्कि केंद्र से होकर पास करेगा, अर्थात ये सिद्ध होता है कि भाई लंब रेखा जो होती है वो केंद्र से होकर पास होती, इधर उधर से पास नहीं होती। और ना इसको थोड़ा सा लिख करके एक बार फिर से समझाते हैं भाई, एक बार फिर से लिख करके समझाते हैं, आप सभी मेरे समझदार बच्चे भाई, ये क्वेश्चन बोले ना थोड़ा सा भाई, बच्चे लोगों को लगता है लेंदी पर है नहीं, हलवा क्वेश्चन है, आज अब इसको लिख लिख करके बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे भाई ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम है ए और बी, और यहाँ पे एक हम लोग भाई रचना करेंगे, एक अन्य बिंदु जिसका नाम लिखेंगे भाई क्यू, क्या लिखेंगे, क्यू, ठीक है। और भाई इसमें रचना करने के लिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है, चलो भाई यहां से इसको मिला देंगे डॉटेड लाइन से, ये रचना करेंगे, ठीक है, चलो भाई आ जाओ, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हाला हल, आइए हल करते हैं। बच्चे देखिए आप लोगों का बोर्ड जो एग्जाम है ना भाई बहुत करीब है, एकदम ध्यान से मन लगा करके पढ़े, हमारे वीडियो को हंसते मुस्कुराते देखे हैं भाई, चलो आ जाओ हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें बिंदु P से होकर स्पर्श रेखा AB खींचा गया है, ठीक है भाई। चलो भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि लंब रेखा केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, केंद्र से होकर जाती है, ये हम लोग को सिद्ध करने, बच्चे एकदम फुल मोटिवेटेड रहेंगे भाई, सब भाई जोशीला बच्चे हैं क्योंकि टेंथ वाले हैं सभी, आप जितने बच्चे देख रहे हैं ना सब ये बच्चे हैं जिसको भाई 90% पार करना है। आ जाओ भाई सीधा हम लोग ये करने की लंब जो रेखा है वो केंद्र से होकर पास करती है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना में ये लिखेंगे बिंदु ओ के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्यों लिया तथा उसे भाई पी से मिलाया इस प्रकार मिलाया कि भाई कि क्यूपी लंब किस पर है भाई, ए बी पर लंब है, ठीक, क्यूपी लंब ए बी है। आ जाओ जज साहब लीजिए आप प्रमाण, हमारे बच्चे से प्रमाण लीजिए, अब ये लोग प्रूफ करने वाले भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप सभी को दिख रहा है ना, दिखना चाहिए भाई, दिख रहा है, चलो भाई काफी है, दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना, चलो भाई आ जाओ, दिख रहा है सभी को, आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग प्रमाण लेते हैं, प्रमाण सिद्ध कैसे करेंगे भाई, प्रमेय 10.1 क्या कहता है भाई, 10.1 कहता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर अरे खाली स्थान होती है, बोलो क्या होती है, लंब होती
है, ठीक है भाई, होती है ना त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। और यदि ऐसा है ओपी अगर लंब है किस पे भाई, ए बी पे, ये ओपी लंब है किस पे, ए बी पे, तो भाई तो क्या होगा, तो ये होगा कोण ओ पी बी, ओ पी बी वो होगा 90 डिग्री, क्या होगा भाई 90 डिग्री। उसी प्रकार, उसी प्रकार रचना से, किससे भाई रचना से, अभी रचना किए ना हम लोग, रचना से क्यों पी बी, क्या भाई कोण क्यों पी बी, ये भी 90 डिग्री हो जा रहा है, जो क्या है, जो असंभव है, जो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, एक ही बिंदु से दो लंब रेखा नहीं खींचा जा सकता है। क्यों, यहां पे कह रहा है ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बिंदु पे दो लंब रेखा खींचा जा सके। अगर इसको लंब बनना है तो उसको भाई इससे केंद्र से होकर जाना पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार सिद्ध होता है, तो लिख सकते हैं अतः अतः स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से क्या भाई, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया, खींचा गया क्या भाई लंब, लंब वृत्त के, क्या भाई वृत्त के, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। चलो भाई ये जो हमने आपको प्रूफ करके दिया भाई एकदम वेल वेरीफाइड है, कोई इसको नहीं काट सकता भाई। आप देख लो भाई, आपको बस इसमें करना क्या, थोड़ा सा कहानी गाथा है आपको लिख के थोड़ा समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा भाई, तो यहां पे ये क्लियर हुआ होगा। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहीं डॉट हो तो भाई कमेंट सेक्शन है, ऐसे डॉट नहीं हुआ होगा भाई, हमने पहले क्या किया नॉर्मली समझाया फिर लिख करके समझाया भाई। आप इसको क्या करो, नोट कॉपी अपने सामने निकाल लो भाई और उस पर लिख लिख करके समझो भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है भाई, ये सबसे भाई आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आओ ना सबसे इजी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक बिंदु ए से, क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, ओहो, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकाले, आया समझ में, आओ सबसे पहले बोल रहा है कि एक बिंदु ए, एक बिंदु ए जो एक वृत्त, पहले वृत्त बोला ना, सबसे पहले जैसे वृत्त बोलता है भाई बना लिया करो, वृत्त बना लिया करो, लो भाई वृत्त हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है भाई, एक बिंदु ए से ना, एक बिंदु ए से एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं, ये हमारा एक बिंदु ए है, दिख रहा है ना, ए से आसान क्लासेस, एक बिंदु ए है भाई, एक बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई, जो वृत्त के केंद्र, अच्छा ये मान लो भाई वृत्त का केंद्र है, ठीक, अब ए से वृत्त के केंद्र मान लो ये ओ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है भाई, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर की दूरी, आ जाना भाई, बेहतरीन सेप बनाते हैं समझदार बच्चे हमारे। चलो भाई यहां से यहां ये हमारा हो गया भाई, है ना, 5 सेंटीमीटर, कितना भाई 5 सेंटीमीटर, देखो कह रहा ना ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये है 5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ओहो स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा खींचना है हम सभी को, चलो भाई खींच दें, आ जाओ खींचते हैं भाई, आ जाओ, चलो ये भाई हमारा स्पर्श रेखा, या बन गया हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। चलो भाई और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है ना 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख लो, स्पर्श रेखा की लंबाई यहां से यहां कितना है 4 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं भाई, इस बिंदु का नाम लिख लेते हैं कि ये बिंदु पी है, तो पूछ रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ओहो बहुत अच्छा, अच्छा ये त्रिज्या ज्ञात करना हम लोगों को कि ये त्रिज्या की लंबाई क्या है, ये निकालना बहुत आसान है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है भाई, प्रमेय 10.1 कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, धां ऐसे मारेंगे यहां पे 90 डिग्री, अरे भाई फटाफट मारो ना 90 डिग्री। चलो आ जाओ सबसे पहले भाई
लिखेंगे इसको हल। क्या लिखेंगे? हल। कैसे करेंगे भाई हल? हल करेंगे भाई सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रमेय, प्रमेय 10.1। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, 10.1 क्या कहता है कि त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श लिखना है भाई ये, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, लंब होती है, लंब होती है। ऐसे हम लोग पूरा लिखते हैं भाई, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु है ना पर लंब होती है, पर ये काम चल जाएगा भाई। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस तरीके से ओपी बेटा लंब है किस पे? एबी पे। ओपी किस पे लंब है? ये ओपी इस पे लंब है। इसका मतलब है ये यहां पे 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ। तो अब आइए हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में भाई? ओपीए, ओपीए है ना भाई में। चलो अब इसमें लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। सभी बच्चे बताएं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताओ। चलो भाई, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे परिवेक्षी होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो बच्चों को ये नहीं मालूम है भाई वो क्या करो है ना, मेरे तरफ से भाई पनिशमेंट है, 50 बार लिखो है ना। ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्लास 7 से 7, 8, 9, अब भाई 10 में आ गए, बोर्ड खत्म होने वाला आप लोगों का, और ये मालूम नहीं है भाई। तो याद रखो भाई, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्ण। और ये नीचे वाले को भाई आधार कहते हैं, और ये आपका लंब है। आ जाओ भाई, कर्ण है कितना? 5 का स्क्वायर। लंब भाई निकालना है हम लोगों को, ओपी निकालना है बच्चे। आधार कितना है? ये है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर भाई? 4 का। 5 का स्क्वायर हमारे पैर बच्चे मालूम है ना, 25। ओपी का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये प्लस ये सेट आकर क्या होगा? माइनस होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? माइनस। आ जाओ ध्यान दो, ये भाई प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा। तो भाई 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना है बताओ भाई? ओपी का स्क्वायर वैसे होने वाला है, ओपी का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ फटाफट? 9 होगा। कितना होगा भाई? 9 होगा भाई। ओपी स्क्वायर वो साइड जाएगा तो रूट बनने वाला है, तो ओपी भाई, इसीलिए ओपी का मान कितना होगा? 9 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 3 का। किसका है भाई? 3 सेंटीमीटर भाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, यहां से यहां तक की लंबाई है बच्चे 3 सेंटीमीटर। डन, कंप्लीट, हलवा क्वेश्चन। आ जाओ भाई, देख लो, उतार लो, कॉपी बना लो भाई, आसान क्लासेस आपके साथ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बात है क्वेश्चन में? क्या है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहा क्या? दो सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्त। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बनाने से पहले कहीं पे अगर बीच में कंसेप्ट आता है ना, उसको आसान क्लासेस पहले बताता है भाई, अरबाज सर पहले बताएगा। आ जाओ भाई, दो सकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त है क्या? सकेंद्रीय वृत्त है क्या, किसी को मालूम है कमेंट करो भाई। सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि दो या दो से ज्यादा वृत्त, दो या दो से ज्यादा वृत्त, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वृत्त भाई, जिसका सेंटर एक ही हो, जिसका सेंटर क्या हो? एक ही हो। जैसे कि मान लो भाई, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, दोनों का सेंटर क्या है भाई? एक ही। एक ही केंद्र से जब ये दो या उससे ज्यादा वृत्त खींचा जाता है उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ये देख सकते हो, छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त का पहले डिफिनेशन लिखते हैं, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है भाई? दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त, अधिक वृत्त, वृत्त जिनका दो या दो से अधिक वृत्त, वृत्त वृत्त वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जो जिसका 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 केंद्र एक ही हो, एक ही हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं।
वृत्त कहते हैं। अंडरस्टैंड भाई, समझ गए सभी कोई? आ जाओ भाई, इसको एक काम करते हैं, इसको लिख लो। इसको फिलहाल मैं भाई यहाँ से ये ले करके इसको साइड करने वाला हूँ, है ना। चलो भाई इसको छोटा करके भाई, मैं छोटा करके भाई, है ना, इसको साइड करने वाला हूँ यहाँ से भाई। इसको साइड कर दिए, चलो भाई ये उधर चला गया सकेंद्री वृत्त। अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन में आ रहा था दो सकेंद्री वृत्त, मालूम चल गया ना कि दो या दो से ज्यादा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो कि त्रिज्याएं। अब दो वृत्त में बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा, जीवा मालूम है ना, बताए थे, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आइए समझो एकदम प्रेम से, इत्मीनान से भाई, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, बस बने रहना है। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सकेंद्री वृत्त है, दो वृत्त पहले बना लो, एक वृत्त पहला बड़ा वाला हो गया, दूसरा वृत्त भाई इसी के अंदर बना लो छोटा वाला, ये हो गया भाई दो वृत्त। इसको थोड़ा सा सही ढंग से अरेंज करते हैं भाई, ठीक है, सही ढंग से इसको भाई अरेंज करते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक, ये वृत्त हो गया। और सकेंद्री वृत्त है भाई मतलब दो या दो से ज्यादा वृत्त जिसका सेम सेंटर हो, जिसका सेम केंद्र हो, बराबर केंद्र हो, एक ही केंद्र हो। अब क्या बोल रहा है भाई, सकेंद्री वृत्त हो गया, बड़ी वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटी वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा, बड़ा वृत्त जीवा खींचना, लेकिन ऐसे नहीं खींचना है, लेकिन वो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। हम लोग को जीवा खींचना है भाई, लेकिन वो छोटे वृत्त को टच करते हुए जाना चाहिए। चलो भाई हम लोग जीवा खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं भाई जीवा, खींच दे जीवा, देखो छोटे वृत्त को छूते हुए गया ना, छोटे वृत्त को यहां पे छुआ भाई। मान लेते ये बिंदु P है, क्या है भाई T। क्वेश्चन के अनुसार जैसे कि दिया हुआ था, क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ था भाई कि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना था भाई, छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भाई बड़े का था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, छोटे का था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब बच्चे हम लोग को निकालना है ये AB की लंबाई क्या होगा, AB का कुल लंबाई क्या होगा, इसका कुल लंबाई निकालना है। देखो बच्चा आप लोगों को मालूम है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे और ये निकाल लेंगे, अरे भाई ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा जो ये होगा वही ये होगा। अगर मान लो ये 4 होगा तो ये भी 4, मतलब AB की लंबाई 4 4 8 हो गया। चलो भाई आ जाओ यहां पे इसको निकालते हैं, आ जाओ सबसे पहले यहां पे चलेंगे भाई, क्या लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 में क्या कहता है बच्चे, 10.1 में ये कहता है कि त्रिज्या स्पर्श, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है भाई, लंब होती है, लंब होती है। चलो भाई मतलब ओपी, ओपी लंब है किस पे भाई, एबी पे या एपी पे, एबी पे लिखते, ठीक है। चलो भाई ये लंब हो गया, चलते समकोण त्रिभुज, समकोण समझ में आ रहा भाई, कमेंट करो आग लगा दो। समकोण त्रिभुज किसमें, ओपी, ओपी ओपी ए में, इसमें है ना। चलो भाई अब यहां पे लगाने वाले क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पाइथागोरस दादा, पाइथागोरस प्रमेय सभी को मालूम है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जल्दी बताओ। पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बच्चे प्लस आधार, इस पर होता है ना जी, यस या नो। चलो भाई कर्ण 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलो भाई कर्ण है हमारा 5 का स्क्वायर, लंब भाई लंब देख लो ना, ये है ये आपका लंब है, ठीक, लंब कितना है भाई 3 का स्क्वायर। आधार ये आपका हो गया एपी, एपी आपका आधार है जो कि मालूम नहीं है भाई, पता करना है। 5 का स्क्वायर होगा 25 है ना, और 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस एपी स्क्वायर क्या होगा भाई, एपी स्क्वायर प्लस ये साइड आने वाला होगा माइनस में, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चे बता जल्दी बता फटाफट 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 भाई, कितना आने वाला है, आने वाला है भाई 25 में 9 तो 16, क्या भाई 16 स्क्वायर ये साइड आएगा तो क्या बन जाने वाला है रूट, यहां पे एपी बचने वाला है
बताओ भाई 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 16 है भाई 4 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर, ये हमारा एपी आ गया भाई, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो भाई ए बी कितना होगा, तो इसीलिए जीवा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई बच्चे बताएंगे, यहां से यहां 4, तो यहां से अभी 4 होगा, मतलब कह सकते हैं दो गुने क्या होगा भाई, दो गुने क्या होगा, 4 होगा, मतलब ये भी 4 ये भी 4, तो होगा भाई हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ए बी का, मतलब ये पूरा जीवा की लंबाई, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने करा भाई, देख लो स्क्रीनशॉट मारना मान लो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था भाई, समकोण त्रिभुज से इसको निकाला भाई, इसी का डबल ये हो गया, ए से बी जीवा की लंबाई निकल गया भाई। आप सभी भाई बहुत समझदार बच्चे हो, जिस तरीके से ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को मन लगा के देखा भाई, इसी तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भाई पूरे बुक को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप भाई इस चैनल से बने रहो, आपको इस चैनल पे आसान क्लासेस में मैथ्स का सारा सॉल्यूशन प्लस साइंस का भी बहुत धमाकेदार तरीके से भी वीडियो आने वाला है। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हमारे पर बच्चे अगर दिक्कत होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।